टमाटर है, भिंडी है, सोया है, मेथी है। अरे मुन्ना, तोरी अम्मा है का? चल भोसड़िया के। ससुरा बड़ा माता जो लड़का है। आलू है, टमाटर है। अरे गुड्डू भैया, तोर गैया बछवा दी की ना? अरे का बताए, हमारा गैया 2 महीने से बछड़ुए ना दे रही, कौने उपाय उपाय हो तो बताओ। अरे भोसड़िया वाला फिर आ रहा है, ससुरा यहाँ रोज आके रेडियो सुनता है। गंगा हम तो का, अगर तुमने उका अबकी बार रेडियो दिया ना, वह रेडियो तुम्हारे गणियम डाल देंगे, बता दे रहे हैं। अरे ना ही शंभू भैया, आपकी बात है, ना ही देंगे। अरे आइए ताऊ जी, अरे गंगा तनी चाय पियाओ ताऊ जी को। आइए आइए आइए। भोसड़िया वाला कितनी जल्दी रंग बदल दिया। ठीक है ठीक है। हाल चाल है शंभू गांव का? गांव जिला सब ठीक है ताऊ जी, पर ससुरा गुडुआ का तनी ठीक नहीं है। गुड्डू का तकलीफ है, खड़ी ना होती का? अरे का बात कर रहे हो ताऊ जी, खड़ी साहब की तरह फनफनाते है। अरे ताऊ जी तुम भी जो बुढ़ौती दाव बात कर रहे हो, ससुरा की अंगूठी पियकड़ वाले भाकवा है। तनी भोसड़िया वाला पियकड़वा का पता लगाओ तो। गंगा हम तो उसे कितनी बार कहे हैं, हमरे आवे से पहले ऊ रंडुआ, मेरा मतलब है ऊ बजवा ला के रख दिया करो। का बताएं ताऊ जी, जो रेडियो ना था ना ससुरी खराब हो गवा है। अब का होगा ताऊ जी? होगा का गुड्डू, अब हम गाना गाएंगे। भोसड़िया के गाना गाएंगे, शायरी ना। अरे सबको ताली बजा। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? अरे ताऊ जी का गा रहे कुछ तड़कता भड़कता गाओ। तड़कता भड़कता सुनाए शंभू, फिर रुको तनी। क्या बोलती कंपनी, कमाए ले बहुत मनी, आपा चली मत कर, आए बापू काटा। गुड्डू समझ आ रहा है तुमको? समझ तो ना रहा, पता ना कव्वाली गा रहे हैं कि गाना गा रहे हैं। पता ना कौन गाना गा रहा है, हम यहाँ मिला रहो। ताऊ जी मजा आ गया। अच्छा इस बात छोड़ो गुड्डू, खेत वेत का हाल है ससुरा? अरे ताऊ जी का हुआ का हुआ? ताऊ जी हमने ससुरा आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ताऊ जी आपको पड़ोस गांव के सरपंच जी बुलाए हैं नीम के पेड़ के पास। अच्छा तुम चलो, हम आवत हैं। आओ ताऊ जी आओ आओ। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार ताऊ जी, का बात हो गई ससुरा जो आप पंचायत बैठाए हो? बहुत गंभीर मामला हो गो ताऊ जी, एक हाथी पंचायत बैठाई। का हो गो सरपंच? ताऊ जी उसने जन्म ले लिया। ताऊ जी अब हम कभी ना ही बचेंगे, अब हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा ताऊ जी, बर्बाद हो जाए। ये सब का कह रहे हो तुम सरपंच? सही कह रहे हैं ताऊ जी, ब्रह्मराक्षस जिंदा हो चुका है। का अब का होगो सरपंच जी? का होगो ताऊ जी, अब केवल वही ऊपर वाला बचा सकता है। गांव वालों तुम सब चिंता ना ही करो, तक मोहे पतो है, ब्रह्मराक्षस दो चीजों से बहुत डरते हैं, एक तो आग और दूसरा है वो मंत्र। वो मंत्र है अंड बन सन, ब्रह्मराक्षस की माँ। अरे बस बस सरपंच जी, लम्डे समझ गए, बस बस। गाँव वालों तुम लोग और एक हमारी बात ध्यान से सुन लो, तुम आग लेके जाओ जाहिना लेके जाओ, लेकिन मंत्र जरूर याद रखना। अच्छा सरपंच चलत है, देखो अब जिंदा रहेंगे भी कि ना। अरे ओ ताऊ जी, का हो गो ताऊ जी, सुन ही ना रहे, लगता है कोनो बात है जरूर। अरे ताऊ जी कहो गो, कहो रो रहे हो? अरे ताऊ जी कहो गो जी, कहो गो काहे रो रहे हो आप? उस दिन आपको बुलाया अब सुनबो नहीं किए, कहो गो काहे रो रहे हो? अरे बेटा राजू, आज हमको अपने बाऊ जी की याद आ गई, एह खातिर बेटा राजू हम रो रहे हैं। बेटा राजू जो तुम चप्पल देख रहे हो ना, दोनों आम चप्पल लाई है, ये हमारी बाऊ जी की आखिरी निशानी है। बाऊ जी राजू बेटा, उन्होंने गांव की खुशी खातिर अपनी खुशी कभी ना ही देखी और अपनी जिंदगी ब्रह्मराक्षस के नाम। ब्रह्मराक्षस का हो तो है ताऊ जी? बेटा राजू ये बात है करीब 1960 की। ये था हमारा प्यारा सा गांव, जिसे लग गई थी ब्रह्मराक्षस की नज़र। उस ब्रह्मराक्षस ने कई लोगों की जिंदगी उजाड़ के रख दी। दादा, दादा,
लड़के। अरे ओ बच्चा, ओ ओ बच्चे, ये कैसे मर गो? इसका बराबर अच्छा ने मारो है। का? हाँ। अरे ओ लड़के, भैया भैया भैया, कहाँ हो? कहाँ आदमी मरे? कहाँ? अरे कहाँ हो? अरे ओ कहाँ हो बच्चा? का कौन मारो है? लगता है राक्षस के हाथ। अरे ओ, इस तरह चलते रहोगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। ब्रह्म राक्षस को तुम मारना ही पड़ोगे। अब कहाँ है तू? आज तू बच ना पाएगो। आज मैं तुम्हें मार के ही वापस जाऊंगो। पुरानी बातें हैं, तुम भी पुरानी बातें लेके पड़े हो। ब्रह्म राक्षस और राक्षस हो तो ना ही है। बेटा राजू, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बात को मजाक नहीं लो। ब्रह्म राक्षस सच में हो तो है, उसने कई लोगों की जिंदगी उजाड़ दी है। बेटा तुम मेरी बात कभी ना कभी जरूर मानोगे। अच्छा चलत है, राम राम। अरे भैया कहाँ हो, कहाँ है, भीड़ लगाए हो? इस लड़के को ब्रह्म राक्षस ने मार दिया। हाँ? अरे भैया का हो गो, काहे भाग रहे हो? अरे वहाँ पे एक लड़का मर गया हो, मैंने जाने तो दे रहा हूँ। का? रुक जा। ताऊजी, अरे ओ ताऊजी, बाहर आओ। अरे राजू बेटा कहाँ हो गो, काहे चिल्ला रहे हो? अरे ताऊजी, ब्रह्म राक्षस आ चुको, उसने दो लोगों को गांव में मार दी हो। एका कोनो उपाय बताओ ताऊजी, ने हमारा गांव खत्म हो जाएगा। ताऊजी खत्म हो? क्या बोल रहे हो तुम राजू? एका केवल एक ही उपाय है, तुमको ब्रह्मास्त्र लेनो पड़ोगो। का? ताऊजी कहाँ मिलोगे ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मास्त्र तुमको इस गांव के बाहर घने जंगलों में एक बाबा मिलेंगे, वही बाबा तुम्हें ब्रह्मास्त्र का पता बता सकते हैं। ताऊजी हम अपने गांव को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, जहां तक हुई तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। ताऊजी बाबा, बाबा मुझे बचा लो बाबा। तू मुझे कुछ ना बताओ, मुझे सब पता है। मुझे मेरे गुरु ने बतायो थो कि कलयुग में एक व्यक्ति आएगो, वही ब्रह्म राक्षस का अंत करोगो। तू वही व्यक्ति है बच्चा, तू ही ब्रह्म राक्षस को मार सकते है, तू ही मार सकते है ब्रह्म राक्षस को। क्या? क्या वो ब्रह्मास्त्र तुम्हें ऐसे नहीं मिलोगे, इसके लिए तुम्हें यज्ञ प्रार्थना करना पड़ेगा। स्वाहा, ओम काली माता स्वाहा, ए स्वाहा, ओम भूत पिशाच निकलने स्वाहा स्वाहा। बाबा मोहे ब्रह्मास्त्र का पता बताओ। बेटा वो ब्रह्मास्त्र एक पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हें मिलोगो, जाओ और अपने गांव को बचा लो बेटा, जल्दी जाओ, समय बहुत कम है तुम्हारे पास। अच्छा बाबा धन्यवाद, मोहे जाने दो, मोहे अपने गांव को बचानो हो बाबा। पीपल का पेड़, राक्षस कहाँ है तू? तुहे मारनो तो रो काल आयो है, आज तुझे तो मार के ही जाऊंगो। ब्रह्म राक्षस दिखो ना, कौन से जंगल में हो गो? अरे ब्रह्म राक्षस आ रहा है। हेलो गाइस, वीडियो आपको पसंद आई हुई, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा सा कमेंट कर देना। दोस्तों मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि वीडियो बहुत देर में आई है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको वीडियो जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।